हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने वीडियो के पहले देख लिया है कि मैंने रामगढ़ ताल का ये वीडियो बनाया है, जो कि रामगढ़ ताल हम लोग गए थे, जिसको नौका बिहार से जाना जाता है। ये गोरखपुर में है। तो हम लोग यहाँ अचानक जाना हुआ, हम लोग गए थे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से हम लोग का प्लान बन गया वहाँ नौका बिहार जाने का। तो अचानक में हम लोग नौका बिहार चले गए। और यहाँ बहुत, मतलब जगह बहुत अच्छी है। गोरखपुर में सबसे अच्छी जगह ये है नौका बिहार। यहाँ सब लोग अधिकतर, मतलब शाम के समय ज़्यादा जाते हैं, दिन में मतलब जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, और रात में अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। 9:30 बजे यह बंद हो जाता है, और शाम के समय 5 बजे से यहाँ बहुत अच्छा लगता है। लाइट वगैरह सब कुछ लगी हुई हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो तालाब है, ये बहुत बड़ा, मतलब तालाब है, गोरखपुर का सबसे बड़ा तालाब यहाँ का है। और ये जो है रामगढ़ ताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ सभी यूट्यूबर लोग भी आते हैं, और यहाँ देखिए जा रहे हैं ताल के पास जा रहे हैं। यहाँ भी सब लोग, मतलब नाव बहुत तेज़ी चला रहे थे, वो मैंने वीडियो शूट कर लिया। मैंने कहा वीडियो शूट कर लेते हैं, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, बाकी सब लोग फ़ोटो वगैरह अपना खींच रहे थे, तो मैंने वीडियो बना लिया। और यहाँ पे पानी जो है बहुत हरा हरा जैसे कलर में दिख रहा है, और फिर तेज़ी ये चला रहा, देखिए आवाज़। देखने में वो काफ़ी अच्छा लगता है, और पानी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा बिल्कुल दिख रहा है, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा दिखता है रात के समय में। दिन में भी अच्छा लगता है, दिन में भी कुछ लोग जाते हैं। मैं एक बार गई थी तो दिन में गई थी, और शाम के समय चली आई थी वापस। लेकिन अब की बार जब गई, तो अब की बार मैं रात में गई थी, 8 बजे गई थी, तो मतलब एक छोटा सा बच्चा साथ में था, तो जिसकी वजह से हम लोग वहाँ से मतलब जल्दी चले आए। जल्दी क्या, 9:30 बजे, फिर भी तो कुछ लोग यहाँ नाव में बैठने के लिए उत्सुक हैं, मतलब तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं तो नाव में बैठने के लिए। और मुझे भी सब लोग बोले कि हाँ, हम लोग को बोले कि बैठ जाओ नाव पे, मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा था, वैसे भी रात का समय है, रात में तो वैसे भी डर लगता है, दिन में भी डर लगता है, नाव में बैठने में तो रात के तो भैया और डर लगेगा। इस वजह से हमने मना कर दिया कि हम लोगों को नहीं बैठना है। और देखिए कितना अंधेरा हो गया था, और लाइटें जल रही थी, और नाव को खूब अच्छे तरीके से मतलब सजा रखे थे लाइट वगैरह। ये तालाब के किनारे किनारे का मतलब है, लाइट वगैरह सब लगी हुई है। देखने में मतलब बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सुकून मिलता है इस जगह पे आने पे, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, मैं ये जो वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मतलब यहाँ बाइक की आवाज़ आ रही है, तो जिसकी वजह से मुझे वीडियो को बीच बीच में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जो रूम है, जो मैंने रूम लिया है, तो वो रोड के मतलब बगल में ही है। इस वजह से बाइकें आती जाती रहती हैं, तो बाइक की आवाज़ आती है, शोरगुल होता रहता है। और यहाँ देखिए गोरखपुर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लोग बहुत मतलब फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, लोग को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के जो, यहाँ पे मतलब सारे यूट्यूबर जो हैं यहीं पे आते हैं, और सभी लोग मतलब जितने यूट्यूबर हैं अपना, मतलब जिसको भी ये चैनल को प्रमोट करवाना होता है, तो वो लोग भी यहीं आके अपना चैनल का प्रमोट करवा लेते हैं उन लोगों से। यहाँ पे गोरखप्रिया भौजी हुई, और ये क्या नाम है, मालती चौहान है, ये भी यहीं पे आके मतलब वीडियो बनाती थी, और रवि किशन है, ये भी आते हैं यहाँ। तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, और काफ़ी अच्छी जगह है,
तो जिसकी वजह से यहाँ सब लोग आते हैं। और देखिए इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोद में मैंने बच्चा लिया था तो वहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने जो बोला है वो मैंने म्यूट कर दिया है। हमने सोचा कि वीडियो को म्यूट कर देते हैं, जो मतलब जो आवाज़ उसमें डाली थी वो मैंने म्यूट कर दी, अलग से आवाज़ इसमें डाल दिए हैं। और ये बच्चा बहुत मतलब क्यूट है, जो कि मतलब अपने मम्मा के पास से मेरे पास आके मतलब वीडियो बनाने के लिए इसको ले आई, शॉर्ट वीडियो बना रही थी, तो ये अपने मम्मा के पास से मेरे पास चला आया और मेरे ही साथ ये बाइक पर भी बैठ के आया और बिल्कुल नहीं रोया। बहुत क्यूट बच्चा है, बस पेट भरा रहे इसका और ये किसी के पास भी रह सकता है। तो इसको लेके मैंने वीडियो बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी छोटे छोटे बच्चे सभी को अच्छे होते हैं, जो सबको अच्छे लगते हैं, तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, ज़्यादा रोता तो है नहीं, इस वजह से सबके पास रहता है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। और यही बात हर वीडियो में बोलनी पड़ती है। ये है देखिए हमारे हस्बैंड, तो अचानक में हम लोग बताएं आपसे वीडियो के फर्स्ट वीक, मतलब हम लोग अचानक हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से हम लोगों का प्लान बन गया, इसकी वजह से हम लोग वहाँ घूमने के लिए चले गए। देखिए ये बहुत सुंदर लगता है, यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये गोरखपुर लिखा हुआ है, गोरखपुर की फुल स्पेलिंग है, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। जगह बहुत अच्छी है, मुझे तो दो बार मैं गई, मुझे दोनों बार बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो जिसकी वजह से और अच्छा लगता है। तालाब की वजह से यहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है। तो प्लीज़ फिर से यही बात कहना चाहती हूँ, चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।